हाय एवरीवन, रिसेंटली हुए सुमित और मलिका के इंटरव्यू में जहां बैक टू बैक मलिका की पोल खोलते हुए सुमित ने बताए कई सारे सीक्रेट, तो उसमें सबसे पहले जब पूछी गई ये खास बात कि आप दोनों में से इम्पल्सिव बाइंग पर कौन चीज़ें स्पॉइल करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन खर्च करता है बिना सोचे समझे चीज़ों पर, तो यहाँ पर सुमित ने दोनों का नाम लेते हुए कहा वी बोथ डू दिस, लेकिन मलिका ने सुमित को आंख दिखाते हुए कहा नो आई डोंट एग्री, आपने बताइए मुझे कि मैंने कब इम्पल्सिव बाइंग की। तो कौन खुला मुंह रख कर के सोता है, इस बात को सुनते ही सुमित को आई हंसी और उन्होंने मलिका को देख कर के कहा ये सेट पर सोती ही ऐसे है, और मलिका ने इस बात को भी मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो सबसे ज़्यादा फूडी कौन है, तो यहाँ पर सुमित ने कहा मलिका आई गेस बोथ, क्योंकि ये जब खरीदती है ना तो इसे खाने से ज़्यादा खरीदने का शौक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 लोग होते हैं तो ये 15 लोगों का खाना लेकर के आती है, क्योंकि इसे खाने से ज़्यादा खिलाना पसंद है। और कौन सबसे ज़्यादा तैयार होने में टाइम लेता है, ये सवाल सुनकर मलिका ने खुद का नाम आगे देते हुए कहा आई अग्री बिफोर यू से एनीथिंग, हाँ मैं ज़्यादा टाइम लेती हूँ। तो सोशल मीडिया अडिक्ट कौन है, इस पर दोनों ने ही अपने अपने व्यूज शेयर करते हुए कहा हम दोनों में से कोई भी नहीं, हमारा ऐसा है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम तब तक बहुत अच्छे से वहाँ पर एक्टिव रहेंगे, लेकिन जब हमारा काम हो जाता है तो हम वो छोड़ देते हैं। तो देखा आपने कि कैसे सुमित की तरह ही मलिका को बिल्कुल भी सोशल मीडिया का शौक नहीं है, ना ही उन्हें क्रेज़ है। और ऐसे ही एक्साइटिंग अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।